दूसरा मिसाल सुनिएगा बतौर खास कि विगा का अज जो अजगर तेरे गुमान में है ना हुरबुला में है ना तीर ना कमान में है, ना हुरबुला में है ना तीर ना कमान में है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। और जो मिसरा आज की मुनासबत से दिया गया है वो मिसरा है कि उसी पे अशार कहे हैं, एक बार सलावात की जहमत कमारा फरमा। मिसरा है कि रहमत अल्लील आलमीन के नूर से जोबार है। अजीजों कुरान शरीफ कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया की कि वमा अरसलना का इल्ला रहमत अल्लील आलमीन। तो शुरा इस्तेमाल करते हैं, शुरा तो ये भी इस्तेमाल करते हैं कि 40 दिन पढ़ा रहा लाशा हुसैन का जबकि तीसरे दिन तब हुए थे, 2 महीने 8 दिन सुनते हैं नजर जाने ग्रामीण। तो वो उन बातों को छोड़िए, जो हकीकी बात है उसके ऊपर नज़र करिए। एक बार सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब पेश खिदमत है कि हाथ जोड़े सरकार के हाथ जोड़े वक्त की ठहरी हुई रफ्तार है। देखिए मोहम्मद अव्वल का जिक्र है, अब मोहम्मद आखिर पर्दा गैब से देख रहा है। आप देख रहे कि मोबाइल में सारी बातें जो हैं, यानी आदमी तस्वीर भी देख रहा है और आवाज़ को भी सुन रहा है। तो जब ये दुनियावी मोबाइल जो बशर ने निकाला है इसका ये कमाल है, तो वो नूरानी मोबाइल जो इमाम ज़माना जिससे देख रहे हैं कि मेरे कितने चाहने वाले इमाम वाले के अंदर है और कितने बाहर है, ये सब इमाम देख रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। मतलब पेश खिदमत है कि हाथ जोड़े वक्त की ठहरी हुई रफ्तार है। हाथ जोड़े वक्त की ठहरी हुई रफ्तार है। नूर की फूटी किरण रंगे हिना गुलनार है। हाथ जोड़े वक्त की ठहरी हुई रफ्तार है। नूर की फूटी किरण रंगे हिना गुलनार है। और हुस्न मतलब है, दूसरा मतलब पेश खिदमत है कि हर्फ कुन अक्षे खुदा है पर तवे अनवार है। हर्फ कुन अक्षे खुदा है पर तवे अनवार है। सब बसफ हुरो मलक है किसकी ये सरकार है। सब बसफ हुरो मलक है किसकी ये सरकार है। और मोहसिन इंसानियत को देखिए। भाई गैरों की लड़कियों की हम बात नहीं करते, अपने मुसलमान जो है हमारे मुसलमान भाइयों की फर्जंदान तौहीद की लड़कियां बहुत सी शादी होकर जाती हैं और आग में जला दी जाती हैं या वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। वो शेर है कि मोहसिन इंसानियत को देखिए, मोहसिन इंसानियत को देखिए, बेटियां हवा की हैं हिस्सो तमा है नार है। बेटियां हवा की हैं हिस्सो तमा है नार है। अरे जनाबे वाला मैं कोई मरसिया नहीं पढ़ो, मुहर्रम खत्म हो गया, कसीदा पढ़ो। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। मोहसिन इंसानियत को देखिए, बेटियां हवा की हैं हिस्सो तमा है नार है। क्या तकाबुल मुरसल आज़म से यूसुफ का भला। जनाब वकील साहब सुनिएगा, क्या तकाबुल मुरसल आज़म से यूसुफ का भला है, कहाँ मक्का कहाँ पे मिस्र का बाजार है। क्या तकाबुल मुरसल आज़म से यूसुफ का भला है, कहाँ मक्का कहाँ पे मिस्र का बाजार है। है कहाँ मक्का कहाँ पे मिस्र का बाजार है। आइए आपके मिजाज का शेर जो ये आ गया है कि रसूल खुदा ने फरमाया अव्वल न मोहम्मद व औसत न मोहम्मद व आखिर न मोहम्मद व कुल न मोहम्मद, के सिलसिले से सिलसिला जिसका खुदाई तक मिले। शेर पेश खिदमत है कि सिलसिले से सिलसिला
सिलसिले से सिलसिला जिसका खुदाई तक मिले आज भी कायम जहां में नूर की वो धार है। सिलसिले से सिलसिला जिसका खुदाई तक मिले आज भी कायम जहां में नूर की वो धार है। और जो तज़मीन है वो मैंने की है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, तज़मीन जो है कि सलसबीलो अर्श कुर्सी ये ज़मीन व आसमां, सलसबीलो अर्श कुर्सी ये ज़मीन और आसमां रहमतल लिल आलमी के नूर से ज़ोबार है, रहमतल लिल आलमी के नूर से ज़ोबार है। और आखिरी शेर है कि खून अहले बैत से इसको नमू मिलती रही, खून अहले बैत से इसको नमू मिलती रही, बाग दी गुलजार था और आज भी गुलजार है, बाग दी गुलजार था और आज भी गुलजार है। मख्ते का शेर है कि इस हकीकत को ज़रा शादाब कह दो दहर से, इस हकीकत को ज़रा शादाब कह दो दहर से, जानशीना मुस्तफ़ा बस हैदर करार है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद परवेज भाई जा, एक सलवात और पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद, चार मिसरे पढ़ूंगा और नात के मिसरे पढ़ूंगा, असीरत नबी बयान कर रहा हूँ बतौर खास समात फरमाए। अब देखते हैं आप नात के मिसरे कैसे सुनते हैं, अभी तक तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना है, अब देखता हूँ नात कैसे सुनते हैं। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, मेरे पास भी है फिर अगर आप ये नहीं अच्छे से सुनेंगे तो मैं चार मिनट से दूसरे भी सुना दूंगा आपको। हर एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जिन फरजहुम, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, कलाम पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। बहुत शुक्रिया। तीसरा चौथा ऐसा बतौर खास हमार फरमाए क्या सीरत नबी थी हमारे, कि हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, कलाम पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। अमा वो कूड़ा फेंकने वाले, वो पत्थर मारने वाले, याली याली याली, वो कूड़ा, वो कूड़ा फेंकने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। इसी के साथ मैंने हैदिया दबो अहतराम से ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत और नाज़िम अहले बैत आली जनाब सैयद परवेज़ अब्बास बलियावी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, आप उनका इस्तकबाल एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए करें। नारे तकबीर, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को जश्न मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और एक माजरत ये है कि हमारे शादा भाई जब मिसरे पे कलाम पढ़ रहे थे तो मुझे जहन में आया कि मिसरा है सलावत मोहम्मद मुबारक, इसलिए कि कसम परवरदिगार की मसरूफियत जिसके वजह से शायद मैं नहीं देख पाया। तो एक मतलब एक शेर क़िबला के सामने जो अभी यहाँ पर हुआ है वही पढ़ देता हूँ, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले पढ़ेंगे जो अभी हुआ है वो, कि जिक्र आले मुस्तफ़ा से जिनको भी इनकार है, जिक्र आले मुस्तफ़ा से जिनको भी इनकार है, बाखुदा दुनिया में जीना उसका तो बेकार है। मुस्तफ़ा से जिसको भी इनकार है, बाखुदा दुनिया में जीना उसका तो बेकार है। मैं कलम निकालो तक कुछ कह देता जब तक आपने मुझे बुला लिया सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले,
ذکر آل مصطفیٰ سے جس کو بھی انکار ہے با خدا دنیا میں جینا اس کا تو بیکار ہے. اس شعر دیکھیں بہت اچھا شعر ہو گیا ہے, اسی فرش سے مل گیا کہ بو جہل کی ذہن رکھتے ہیں جو دنیا میں سنو, بو جہل کی ذہن رکھتے ہیں جو دنیا میں سنو, ذکر اہل بیت ان کے واسطے تلوار ہے. تلوار ایک سلوات پڑھ دے محمد وارے محمد. یہ دیکھیں گے کہ جشن سرکار کا, جشن سرکار کا بپا کر کے, جشن سرکار کا بپا کر کے نسل بو جہل کو جلانے دوں, جشن سرکار کا بپا کر کے نسل بو جہل کو جلانے دو, روئیں گے منہ چھپائے شب زادے مجھ کو نعت نبی سنانے دو, روئیں گے منہ چھپائے شب زادے مجھ کو نعت نبی سنائے. سلوات پڑھنے والے محمد پہ یہ چار مصرے بالکل تازے دیکھیں حملہ کہ سنو وہ روزہ اقدس ہے پیارے آقا کا, سنو روزے اقدس ہے پیارے آقا کا, جہاں اجر بھی ترستی ہے زندگی کے لیے. سنو وہ روزے, تیسرے چوتھے مصرے خاتم ہو جائے, سنو وہ روزے آقا ہے, روزے اقدس ہے پیارے آقا کا, جہاں اجل بھی ترستی ہے زندگی کے لیے, اسی چراغ سے زہرا کا در جلا ڈالا, دیا تھا تم کو نبی نے جو روشنی کے لیے. کہ سنو وہ روزے اقدس ہے پیارے آقا کا, جہاں اجل بھی ترستی ہے زندگی کے لیے, اسی چراغ سے زہرا کا در جلا ڈالا, دیا تھا تم کو نبی نے جو روشنی کے لیے. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. چار مصرے کے صبح لیتا ہوں شام لیتا ہوں, صبح لیتا ہوں شام لیتا ہوں, سچ ہے با احترام لیتا ہوں, صبح لیتا ہوں شام لیتا ہوں, سچ ہے با احترام لیتا ہوں, جس کے صدقے میں کائنات بنی اس محمد کا نام لیتا ہوں. ایسے نہیں, نعرہ شام لیتا ہوں, سچ ہے با احترام لیتا ہوں, جس کے صدقے میں کائنات بنی اس محمد کا نام لیتا ہوں. دو تین شعر اس کے بعد, چونکہ آج قبلہ چاروں طرف دیکھیے جو جلوس برآمد ہوا تھا اس میں تھا کہ رسول زندہ باد, پیارے آقا زندہ باد, لیکن یہ زندہ باد کس کی وجہ سے زندہ باد ہے؟ ایک منقبہ چھوٹی سی سناؤں گا, سلوات پڑھے محمد وار محمد. اجازت ہے تو بسم اللہ ارے ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد, ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے. اصل میں سلسلہ تین یہاں ہو گیا ہے, سلوات پڑھ دے محمد والے, تین مائک ایک ساتھ ہو گئے, سلوات پڑھ دے محمد والے. دیکھیں گے کہ جسے بھی مل کر, چار مصرے پہ پڑھ دیتا ہوں. کل ہم لوگ جو کل جو غم منایا ہے پرسوں,
यानी कि 9 को 8 की रात में हम गम मनाते मनाते हमारी खुशी आ जाती है ना खुशी। हम भी काले लिबास में होते हैं, हमारी शहजादी भी काले लिबास में होती है, लेकिन तब्दील हो जाता है, खुशी मनाने लगते हैं, दिल में खुशी आ जाती है। तो अभी हमने शहजादी को जो अश्क दिया, अश्क अभी तो रूमाल सैयदा में, उसकी कैफियत क्या है? चार किस्में समाज पढ़ना है, सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले हूँ उसकी कैफियत के एक सलवान वाले मोहम्मद पे के तरे अली पे किया मैंने सजदाए ताज़ीम। इसे चौथे मिसरे पर आज तक आंसुओं को रोना सुना है, सुने इंशाअल्लाह के दरे अली पे किया मैंने सजदाए ताज़ीम, मेरे नसीब के जुगनू भी जग मंगाने लगे। के दरे अली पे किया मैंने सजदाए ताज़ीम, आठ की रात याद रखिएगा, दरे अली पे किया मैंने सजदाए ताज़ीम, मेरे नसीब के जुगनू भी जग मंगाने लगे। ये ईद ज़हरा है रूमाले सैयदा में, सुनो गमे हुसैन के आंसू भी मुस्कुराने लगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठे, लब्बैक या हुसैन, पूरे कलेजे की लब्बैक या हुसैन। के दरे अली पे किया मैंने सजदाए ताज़ीम, मेरे नसीब के जुगनू भी जगमगाने लगे। ये ईद ज़हरा है रूमाले सैयदा में, सुनो कभी हो कभी आंसू को मुस्कुराते हुए देखा? ये ईद ज़हरा अभी बीवी के हाथ में है, हम खुशी मनाने लगे। ये ईद ज़हरा है रूमाले सैयदा में, सुनो गमे हुसैन के आंसू भी मुस्कुराने लगे। अब जो आज जिंदाबाद हो रहा था जावेद भाई, तो उस पर मैंने जो एक पुरानी नज़्म है लेकिन पढ़ने का इरादा है, इजाज़त है आप लोगों की, तो एक सलवार पढ़ मन वाले कि आज ये जिंदाबाद है किसकी वजह से? मेरे मौला मेरे शबीर, क्या बात है, सदा जिंदाबाद। अगर हुसैन ने कुर्बानी ना दी होती सब जिंदाबाद खत्म हो गया होता। मेरे मौला मेरे शबीर सदा जिंदाबाद, तू तो शाहों कभी है मीर, महसूस किए, तू तो शाहों कभी है मीर सदा जिंदाबाद। ये आपकी तरफ से पढ़ो कि है जहां फतवा बिदअत के पुजारी सुन ले, है जहां फतवा बिदअत के पुजारी सुन ले, सुन ले सुन ले वो सऊदी के भिखारी सुन ले, सुन ले सुन आपकी तो सुन ले वो सऊदी के भिखारी सुन ले, मेरी मंजिल दरे शबीर सदा शबीर। और टूटा हुआ भी घर हो, फर्श अला विला या फर्श अला बिछाने से कौन आते हैं? टूटा हुआ भी घर देखें कि मेरे मौला मेरे शबीर सदा जिंदाबाद। 14 मासूम बसत जाहो हशम आते हैं, 14 मासूम बसत जाहो हशम आते हैं, घर मेरे घर मेरे घर मेरे फातिमा जहरा के कदम आते हैं, 14 मासूम बसत जाहो हशम आते हैं, घर मेरे फातिमा जहरा के कदम आते हैं, हम आजादारों की तकदीर सदा जिंदाबाद। मेरे मौला मेरे शबीर सदा जिंदा, 14 मासूम
گھر میں رہے فاطمہ زہرا کے قدم آتے ہیں ہم آزاداروں کی تقدیر صدا زندہ. مولا عباس کے بازو علم اٹھانے والے ایک بند سماعت ہیں کہ ایک حملے میں لائنوں کو وہ دفن نہ دیتا, ایک حملے میں لائنوں کو وہ دفن نہ دیتا, نہر 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 مشکیزے میں آ جاتی جو فرما دیتا قوت بازو شبی صدا وجہ دے رہی ہے کہ ایک محفل پڑھ کے آ رہا ہوں. ایک حملے میں لائنوں کو وہ دفنا دیتا, نہر مشکیزے میں آ جاتی جو فرما دیتا قوت بازو شبیر صدا زندہ. آخری بند جناب زنب سلام اللہ کے حوالے سے, جناب زنب سلام اللہ کہ دیکھا وہ شام کے دربار میں سب نے دیکھا, دیکھا وہ شام کے دربار میں سب نے دیکھا, لہجہ حیدر کرار میں سب نے دیکھا خطبہ زینب دل گے صدا زندہ باد. میرے مولا میرے شبیر صدا زندہ باد. اور آج فیس بک پہ کلپ آئی ہے, فیس بک پہ دیکھے ہوں گے کہ ایک عالم دین نے کہا کہ شیعہ بچیوں سے نکاح مت کرنا, کبھی شادی مت کرنا. کیوں؟ عالم دین ہے وہ. جی میں نے عالم دین, میں نے کئی طرف کے عالم ہوتے ہیں, ایک درباری علماء ہوتے ہیں, ایک ہاں. تو وجہ کیا پوچھا کیا بھائی کیوں نہیں کرنا, کہ ایک بچی نے پورے گھر کو شیعہ کر دیا ہے. سلوا پڑھ محمد والے ہوں گا تو دیکھیں گے کہ مختا آج ہمارے پاس اہل بیت کی جو محبت آئی ہے. سلام کرنا, اگر مائیں زندہ ہو تب بھی سلام کرنا, ماں اگر مرحومہ ہو گئی ہے تب بھی سلام کرنا. جن کی مائیں سلامت ہیں پروردگار انہیں سلامت رکھے, جن کی جا چکی ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہماری ماں دنیا سے جا چکی ہیں, مرحومہ ہیں, میں اپنی ماں کو آواز دے رہا ہوں سبھی کی طرف سے, ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. مقدمے میں کچھ کرنے کی کوشش کی کہ میرے مولا میرے شبیر چودہ معصوم بسد جاہو حشم آتے ہیں گھر میرے فاطمہ زہرا کے قدم آتے ہیں ہم آزاداروں کی تقدیر صدا زندہ باد. میری ماں تجھ کو یہ پروے صدا دیتا ہے,
मदरसा की जानी से परवेज भाई को एक मोमेंटो दिया जा रहा है। शकील अहमद साहब के बुला के हाथ से सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे शिया यतीम खाने हमारे जो भी भाई हैं वो एक ये मोमेंटो लें करवाने अदा की अदा की जानिब से। जब इनको मोमेंटो दिया जाए आप इनकी सेहत और सलामती के लिए आवाज अपना नारे सलवार को मुझे पता है परवेज भाई आके ही बैठे थे और वो शायद पानी पी भी नहीं पाए थे। मैंने उन्हें बुला लिया था, मेरी मजबूरी थी क्योंकि कोई पढ़ने वाला दूसरा था नहीं और उसके बाद इंशाल्लाह मौलाना थे तो इसलिए मैं मानसर चाहता हूँ उनसे एक सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाम के चार मिसरे और इंशाल्लाह अली मोहम्मद साहब मिसरे के ऊपर कलाम पेश करने के लिए आप हजरात के सामने हाजिर होंगे। फिर से सीरत नबी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि जिस गली में वो जख्म खाता था। भाई जरा सा आगे आ जाए बस आखिरी बधा मरला महफिल का इंशाल्लाह उसके बाद दो तीन शोरा के बाद मुलतवी होगी हमारी महफिल के बहुत छोटे छोटे से मिसरे हैं कि जिस गली में वो जख्म खाता था जिस 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 गली में वो जख्म खाता था उस गली से वो रोज जाता था। सीरत नबी देखे हमारे जिस गली में वो जख्म खाता था उस गली से वो रोज जाता था। अरे जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता था। महफिल के अशार हैं चंद थोड़ा सा ऊपर करना होगा इसको। हाँ ठीक होता तो हम खुद ही बोलते सोच रहा हूँ पढ़ूँ कैसे जबान से ही पढ़ूंगा लेकिन यूँ ही पढ़ूँ थोड़ा सा सुर लगा के पढ़ूँ। हाँ हाँ उसीलिए सोच ही रहा था थोड़ा वक्त लग गया थे। अच्छा कंपटीशन जावेद साहब भी अभी हैं शिक्र साहब भी पढ़ेंगे। फिर मेरे احمد مختار ہے مصرع جو ہے وہ رحمت للعالمین کے نور سے زوبار ہے۔ پھر میرے لب پر سنائے احمد مختار ہے से ज्यादा बाहर पड़ता है उसकी शायरी बाहर ज्यादा मशहूर है हिंदुस्तान में कम पड़ता है। तेरा हर एक अमल
دین و شریعت کی اساس. دوسرا مصرع ہے تیرا ہر ایک عمل دین و شریعت کی اساس اسوہ امت زمانے میں تیرا کردار ہے. اسوہ امت بہت بہترین لفظ کا استعمال کیا ہے. آپ لوگ دیکھیں مولانا ایک پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ آج جتنا زیادہ خوشی کا اظہار کریں اس بس میں بیٹھے ہیں, بہت بڑا جلسہ ہے, مولانا بھی پڑھ رہے ہیں, تو محفل ماحول بنائیے اتنا ڈانس کے اور اس طرح سے سنیے نا, ذرا سا بیدار ہو کے اور جھوم کے ماحول بنا کے, جب تک آپ ماحول نہیں بنائے تو مولانا پڑھ رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے کبھی لہن میں نہیں پڑھتے تھے معلوم ہے. آج فرسٹ پڑھ پڑھ کے تھوڑی سی عادت ہو گئی, پرویز بھائی جانتے ہیں اور بہترین جو ہے شاعر بہترین نظامت کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کا ساتھ ہو جاتا ہے, باہر ایک جگہ موقع مل جاتا ہے. ایک مرتبہ اور سلامات پڑھ دو بھائی. اہل بلا کو
नज़मीन है आसिफ साहब। गोशा गोशा सारे आलम का बफ़ज़ले किरदिगार, गोशा गोशा सारे आलम का बफ़ज़ले किरदिगार, रहमतुल लिल आलमी के या शकील साहब ये जावेद साहब कुछ ना कुछ बोलेंगे। शादाम साहब ने एक इतराज कर दिया बिसरे पर, वो था रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन। हम कहते हैं साहब नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन, रहमतुल्लिल आलमीन और रहमतुल्लिल आलमीन, ये सब सही है। यानी अगर कोई चीज आ जा रही है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। अरबी ग्रामर हम ज्यादा समझेंगे या शादाब साहब समझेंगे? अरबी ग्रामर हम ज्यादा समझेंगे या शादाब साहब? अब हम लोगों के सामने अगर नहीं बोलते तो बात खत्म हो जाती। अब वमा अरसलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, वहां पर जरूरत था कि रहमतल्लिल दो जबर दे, वहां पर जरूरत थी कि दो जबर दी, वो ग्रामर है। लेकिन कहीं पर यह हो सकता है जैसे मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन दुन का रसूलुल्लाह, लेकिन जब अशहदो अन्ना पढ़ते हैं तो मोहम्मदन पढ़ते हैं, तो ग्रामर है इसमें। बता जिसने दिया मिसरा वो बहरल यानी वो समझदार भी होगा, जानकार भी होगा, सब कुछ बहरल उसको देख के। लेकिन अरबी चूँकि आ गई थी तो अरबी हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आए, बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। एक मरतबा और जो है मैं दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, और मैंने मक्ता कहा था जिसे शेर कहा, मैंने मक्ता कहा था भाई शायर का मक्ता हो, तो उन्होंने कहा नहीं चूंकि तुम पढ़ रहे हो खुद, तुम कहा मुझे यानी मुझसे बड़े, तो मैं तुम्हारे नाम का मक्ता लिख रहा हूँ। मैंने कहा फिर लोग समझ जाएंगे कि मेरा ही शेर है। मैंने कहा कि नहीं, लोग समझते हैं कि मेरा शेर हो नहीं सकता। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का मक्ता मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मक्ता भी बहुत अच्छा है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, नाम मेरा है अली, दुनिया के सब मेरे लिए बेकार। इसको थोड़ा ठीक करो भाई, माइक सही से मेरे हाइट के मुताबिक थोड़ा सा उठा, वॉल्यूम ठीक कर दो, वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा माइक इको कर दो भाई, इससे कि मुझे लहन में पढ़ना है और बहुत जबरदस्त पढ़ना है। माशाल्लाह, और बाहर जितने लोग हैं वो आ जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इतिहास और तारीख के लिए हमें नारे लगा दे पहले आप दोनों हाथों से। हाँ, नारे रिसाला, पूरे कॉलेज की ताकत से चंदा हमें हौसला देते, सभी को हौसला देते, नारे انجمن کرمان اعضا، جتنے بھی عمران سامعین، باہر جتنے بھی افراد ہیں، سی ایل برادر آل حسن، ایک برادر ادھر ہیں، سب ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ آج میں بہت دن سے موقع میں تھا
तलाश में मौके की कि एक कसीदा ऐसा पढ़ूंगा जो बहुत ही अच्छा है, हमारे अकीदे के मुताबिक है, हालांकि सुन्नी नाथा है और YouTube वगैरह में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। और इसमें जो अशार के मफहूम बयान किए गए हैं वो हमारे अकीदे का एक मुताबिक है। आप इसलिए कि हम और आप, ये एक जलसा है, यहाँ एक जलसा हश्र में भी होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा, मगर वहाँ सदारत किसी और की होगी, नकाबत किसी और की होगी। जरा सा मंजर आप अपना जहन में लाएं, इसलिए कि मकाम महमूद होगा और मकाम महमूद पर मोहम्मद होंगे और लेवारुल हम्द होगा, यानी हम्द के आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस कुर्सी पर मकाम महमूद पर बैठेंगे वहीं बाजू पर बगल में मौला कायनात के हाथ में लिवाए हम्द हम्द का आलम होगा और सारे अहले महशर वहां बैठेंगे और वहां जलसे की सदारत परवरदिगार आलम की होगी, नकाबत मेरे हुजूर की होगी। होगा एक जरा सा बेला रुके, आप सुनिएगा, तुम जब तक आप हौसला नहीं दीजिएगा मुझे, मेरा मूड नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। मेरा ये कसीदा वो सुन नहीं रहे हैं। सदरे जलसा रख कहे
वादा है। क्या सुना आपको? बाहर तक आवाज जा रही है भाई, बाहर वाले सर आ जाए अंदर प्लीज, जरा प्लीज अंदर आ जाएंगे। होगा शर्मा सपांग सजदे में जो परेशान, जकी साहब आए तो फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा। हो गया एक जल आका के लिए, सिर्फ आप लोग मत सुनिएगा। हो गया एक जल साइश में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी। सदरे जल सा हमारा रब होगा, बुलबुल सैयद सिदरा की नकाबत होगी। और यही आखिरी एक मतलब फिर मैं रिपीट कर दूं आखिर सखी के लिए खास करके, ते हश्र का शेर मेरा बहुत फेवरेट
का पूरा नाच मेरा बहुत फेवरेट है। आप एक मतलब घुंघराएंगे ना तो आप हश्र में चले जाएंगे, उस हश्र के मैदान को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। हश्र का जुल्फ लहरा के मुझ आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी, सदर जलसा मरब होगा, बुलबुल सैयद सदा की नकाबत। इरादा नहीं है, दुआ भी सब पढ़ेंगे, सलवात पढ़ेंगे। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है पैरवी का ये मियार जिनके पेश नज़र, है पैरवी का ये मियार जिनके पेश नज़र, बताएं क्या है तकाज़ाए इश्क़े पैगंबर। हो कौल फेल में यूं पैरवी खैर बशर, हो कौल फेल में यूं पैरवी खैर बशर, ज़बां पे आए किसी तौर पर, किसी तौर पे भी अगर न मगर, अगर हो कौल की सच्चाई का यकीन हमको, अगर हो कौल की सच्चाई का यकीन हमको, अगर मगर का तो फिर कोई हक नहीं हमको, अगर मगर का तो फिर कोई हक नहीं हमको, अगर है वाकई इश्के नबी मुसलमानों, अगर है वाकई इश्के नबी मुसलमानों, रसूल पाक की सीरत पे कुछ अमल तो करो, रसूल पाक की सीरत पे कुछ अमल तो करो, कम अज कम इतना तो खुलके नबी को अपनाओ, अखलाक नबी, कम अज कम इतना तो खुलके नबी को अपनाओ, किसी भी शख्स को तुमसे कोई गजंद ना हो, किसी भी शख्स को तुमसे कोई यानी तकलीफ ना हो, किसी भी शख्स को तुमसे कोई गजंद ना हो, तासुबात में उम्रें अगर गवानी हैं, तासुबात में उम्रें अगर गवानी हैं, तो इश्क विश्क के दावे फकत जबानी है, तो इश्क विश्क के दावे फकत जबानी है। सलवात पढ़े मोहम्मद परवेज बलगावी साहब पढ़ रहे थे कि मेरे मौला मेरे भी जिंदाबाद, शायर कहता है कि जिंदा इस्लाम कर दिया तूने, जिंदा इस्लाम कर दिया तूने, हक को बातिल बता दिया तूने, हक को बातिल बता दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, मर के जीना सिखा दिया तूने। और परवेज भाई की ख्वाहिश है तरन्नुम से सलाम पढ़े मोहम्मद आपका मलताबा जन खैर द्वारा ताजदार वली बढ़ के
गुजारिश करता हूँ अशफाक हुसैन अशफाक साहब के बारे में बहुत तशरीफ लाए और मंजूर नजरानिया की रद्द पेश करें। आप आवाज आप हजरत एक बार उनके सरबार ना आवाज अल्लाह नारे सरबार पढ़ कलाम है। मुझे आने में ताखीर की वजह से माजरत खा हूँ। तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से शशोपन में थे कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं। खुदा का शुक्र है कि हम आ सके, वरना उलमा के बाद पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। एक मरतबा सूरह आले मोहम्मद पे सलावत पढ़े। मिसरा तरह पे कलाम पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हफ्ताए वहदत है हर मोमिन का दिल सरशार है। हफ्ताए वहदत है हर मोमिन का दिल सरशार है। हफ्ताए वहदत है हर मोमिन का दिल सरशार है। क्यों ना हम महफिल सजाए आमदे सरकार है। क्यों ना हम महफिल सजाए आमदे सरकार है। शेर देखें। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक अंबिया जितने भी आए सबका ये सरदार है। अंबिया जितने भी आए सबका ये सरदार है। शेर मुलाहिज़ा फरमाएंगे मेराज के हवाले से कि वो गया मेराज पा लौटा तो बिस्तर गर्म था। वो गया मेराज पा लौटा तो बिस्तर गर्म था। ये लगा के दहर की ठहरी हुई रफ्तार है। ये लगा के दहर की ठहरी हुई रफ्तार है। शेर मुलाहिज़ा फरमाए अंबरी महकी बिजाए दी है घटा। बाहर का शेर है अंबरी महकी पिसाए दी है घटा। जर्रे जर्रे में जमीन के नूर की बौछार है। जर्रे जर्रे में जमीन के नूर की बौछार है। अस्सलाम वालेकुम उलमा इकराम यहाँ मौजूद है। एक मिसरा भी हो गया था कि जाहा व जहका बातिल इन्ना बातिला काना जहका। मुलाहिज़ा फरमाएंगे शायरी के एतबार से निभाने में ज़रा सी ये हुई बात, लेकिन खुदा का शुक्र है जा कल हक आ गया व जहकल बातिल मिटा। शादा भाई जाहल हक आ गया
ज़ाहिक़ल बातिल मिटा दहर से बातिल के मिट जाने का ये आसार है दहर से बातिल पूरी आयत को नज़्म किया भाई दहर से बातिल के मिट जाने का ये आसार है और तस्वीर नशर मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि रहमतुल आलमी के नूर से ज़ोबार है शेर देखें कि आज भी रोशन दलीले चांद सूरज से मिली आज भी रोशन दलीले चांद सूरज से मिली रहमतुल लिल आलमी के नूर से ज़ोबार है रहमतुल लिल आलमी के नूर से ज़ोबार है और आखिरी शेर लहजा फरमाएंगे बिलखसूस शकील साहब की खाम खामोशी तोड़ने के लिए एक मरतबा मिल जुल के असमत आले मोहम्मद में सलवात पढ़ें वाले इधर हैं और मौला है उधर शादा भाई देखेंगे शेर चाहने वाले इधर हैं और मौला है उधर मुंतजर है इस तरफ और मुंतजर उस पार है मुंतजर है इस तरफ और मुंतजर उस पार है मुंतजर है इस तरफ और मुंतजर उस पार है हफ्ताए वहदत है हरे मोमिन का दिल सरशार है और मस्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि उनकी मिद हद में कसीदे रोज़ो शब अशफाक लिख उनकी मिद हद में कसीदे रोज़ो शब अशफाक लिख मिदहते लिखने की खातिर खुद कलम तैयार है मिदहते लिखने की खातिर जब कलम तैयार है हफ्ताए वहदत मना हफ्ताए वहदत है हर मोमिन का दिल सरशार है देखिए नाज़िम का कोई अपना फैसला या कोई अपनी मर्ज़ी नहीं होती है जैसे मुंतज़िरीन कहते हैं वो वैसा करते रहते हैं मैं आपके वक्त का ख्याल रखता हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ बस नाम ले लेके बहुत देर से सबों को बुला रहा हूँ और इसी के साथ मैं नहादिया दो एहतराम से बिना किसी तमीज के दुल्फ़ार हुसैन नासिर साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ वो आएँ और जितना कम से कम हो सके वो मंजूर नजराना अकीदत पेश करें और दूसरी एक गुजारिश है कारवान अज़हर के तमाम मेम्बरान से मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो वो फ़ौरन के फ़ौरन अंदर आ जाए ताकि मोमेंटो का प्रोग्राम भी शुरू किया जाए इसके फ़ौरन बाद मोमेंटो का प्रोग्राम होगा कारवान अज़हर के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है वो अंदर आ जाए आप एक बार मिलजुल कर आवाज़ नारे सलवार पढ़ो आने में कुछ ताखीर हुई है वो पूरा तो माइक पे हम बता नहीं सकते हैं हमारी मजबूरी या तो अल्लाह समझता है या मौला समझता है इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँ एक बार नारे सलावात भेजें जिसको अपने रब से और महबूब रब से
से प्यार है जिसको अपने रब से और महबूबे रब से प्यार है। बिल यकीन वो आदमी ही खुल्द का हकदार है जिसको अपने रब से और नारे सलवात भेजे पता के मुस्तफा की आल से बुग़्ज़ो हसद रखते हैं जो मुस्तफा की आल से बुग़्ज़ो हसद रखते हैं जो उस बशर की हर बशर की हर इबादत हर अमल बेकार है। और ये शेर देखिएगा कि कुल जमाने की फिजाएं फर्श से ताबा फलक कुल जमाने की फिजाए फर्श से ताबा फलक रहमतुल लिल आलमी के नूर से ज़ोबार है रहमतुल देखिएगा कि रंजो गम हरगिज मेरे नजदीक आ सकते नहीं रंजो गम हरगिज मेरे नजदीक आ सकते नहीं हाथ में जब तक हमारे दामन सरकार है। हमारे जितने भी चैनल्स वाले हैं जो लाइव कर रहे हैं और जिनकी दावत है उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर आ जाए और हमारे जितने भी तमाम मटियाबुज के अंजुमने हैं उनके भी सदर सेक्रेटरी या जो भी मेम्बरान अहदेदारान जो भी हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अंदर आ जाए। मैं जाना सदर मोहतरम अली जनाब शकील अहमद साहब के बारे में आपको गुजारिश करें वो तशरीफ लाएँ और अपने हाथों से हमारे जो लाइव करते हैं हर जगह गर्मी सर्दी बरसात मुहर्रम महफिल मजलिस और जहां भी उनको बुलाया जाता है वो जाते हैं उनके लिए हौसला अफजाई के लिए हमारे कारवाने अज़ा की जानिब से एक मोमेंट को एक हौसला अफजाई एक तोहफा है जो हमारे सदर मोहतरम अली जनाब मौलाना शकील अहमद साहब अपने हाथों से पेश करेंगे। मैं सबसे पहले चैनल्स के लिए सैयद ब्रदर्स के जो भी हमसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ हमारे तकी भाई मौलाना के हाथ से एक मोमेंट को एक हौसला अफजाई ये आशीर्वाद पड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके बाद सादात मीडिया के जो भी हमारे सैयद आली हसन साहब अली मोहम्मद और हमारे कारवाने अज़ा के जितने मेम्बरान हैं जो अगर मसरूफ हैं उनसे कोई बात नहीं है लेकिन जो फ्री हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है वो अंदर तशरीफ़ ले आए थोड़ा सा। इसके बाद हमारी कॉल आज़ादारी KOL कॉल आज़ादारी के चैनल से हमारे भाई आ चुके हैं मौलाना से गुजारिश है कि उनकी बारगाह में भी एक ट्रॉफी एक हौसला अफजाई के लिए दिया जाए आप मुलाकात करें मोहम्मद आलम। मटिया बुर्ज की तमाम अंजुमनों के सदर सेक्रेटरी और मेम्बरान से गुजारिश है कि तरजीह दिया है
हाँ हाँ है मुबारक साहब अभी है। इसके बाद कलकत्ता सदारी हमारे कलकत्ता सदारी से मुजफ्फर भाई कहाँ आए आए मुजफ्फर भाई तशरीफ लाए मौलाना की तरफ से और करवाने अदा की तरफ से एक हौसला अफजाई की जा रही है अपने दिल का सलवार पढ़े मोहम्मद वाली AGM ऑफिशियल चैनल जो है अंजुमन उलामा ने मासूमी AGM ऑफिशियल चैनल के जो भी आए हुए हैं उनसे गुजारिश है AGM ऑफिशियल चैनल के हमारे भाई ले लेते हैं सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और इसके बाद हमारे मुबारक फोटोग्राफर जो भी भाई हैं वो तशरीफ लाएं उनके भाई जावेद हाँ जावेद भाई हमारे भाई जावेद मौलाना एक हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो दे रहे होंगे सलवार पढ़े मोहम्मद वाले हमारे मीडिया ब्रांच की अंजुमनों के लिए हौसला अफजाई के लिए अल्लाह करवाने अदा की जानी से मोमेंटो है सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन अब्बासिया मुबारक के जो भी भाई आए हुए हैं हमारे तशरीफ लाए नासर भाई और हमारे चाचा जब तोहफा दिया जाए तो आप मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बलंदरीन सलवार पढ़े अंजुमने नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तीन आदमी तो पहनी ना मोहम्मद अदारे के मोहम्मद ताहिर रजा भाई ताहिर रजा भाई तशरीफ लाए और अंजुमन उलमा ने अहले बैत के जो भी अहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाए हमारे ताहिर रजा साहब के हाथों से एक मोमेंट हो कबूल करें और आप मिलजुल कर आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें काशिफ हुसैन खान अदारा के मेंबर काशिफ हुसैन साहब तशरीफ लाए और अंजुमन सोगवाराने हुसैन मटियापुर से जो भी तशरीफ लाए अंजुमन सोगवाराने हुसैन के जनाब सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद इमरान खान से मेरी आवाज़ पहुँच रही तो उन्होंने तशरीफ लिया है जनाब इमरान खान अंजुमन नासराने मेहंदी की जानिब से जो भी हमारे भाई आए हुए हैं वो मोमेंटो अदारे की जानिब से कबूल करें आप एक आवाज़ बुलंद नारे सलवार से सैयद वसी हैदर जैदी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ सैयद वसी हैदर जैदी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ और अंजुमन गुलामान मासूमीन अंजुमन गुलामान मासूमीन की जानिब से जो भी आए हुए हैं वो एक मोमेंटो एक हौसला अफजाई के कबूल करें असल बात पढ़े मोहम्मद वाले सलमान हुसैन साहब अली साहब आज तशरीफ ले आए आप और अंजुमन शबीर पैगंबर के जो भी हमारे अहदेदारान अंजुमन शबीर पैगंबर अंजुमन शबीर पैगंबर के अहदेदारान तशरीफ ला चुके हैं उनको एक मोमेंटो दिया जा रहा है हौसला अफजाई के लिए वकार साहब शदाब साहब सामने आ जाए तशरीफ लाएँ वकार साहब शदाब भाई से गुजारिश है कि अशफाक हुसैन साहब की बारगाह में एक मोमेंटो पेश करें वकार भाई हमारे वकार भाई तशरीफ लाएँ जुल्फ़िकार हुसैन नासिर साहब चले गए क्या जुल्फ़िकार हुसैन नासिर साहब चले गए तो
मौलाना मोहम्मद अली साहब बिरला तशरीफ लाएं और एक मोमेंट को अदारे की जानिब से कबूल करें। कबूल करें आप, पहले आप कबूल करें इंशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें। इंशाल्लाह भाई तशरीफ लाएं और मेरी गुजारिश है मौलाना शाह अली साहब बिरला से कि वो भी तशरीफ लाएं। एक मोमेंटो अदारे की जानिब से शराब भाई हमारे मोहम्मद अली साहब बिरला को दे रहे हैं सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले जनाब मौलाना सैयद जावेद चंद अली साहब गुजारिश को तशरीफ लाएं और अदारे से एक मोमेंटो एक हौसला अफजाई के लिए तोहफा कबूल करें जिसको सलमान भाई हमारे देंगे। अगर तोहफा दिया जाए तो आप मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बड़ा तरीन सलवात पढ़ें। हमारी महफिल में शकील अहमद साहब को जाकर गुजारिश है तशरीफ लाएँ और अदारे के मेम्बर आमिर हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो एक तोहफा मौलाना की बारगाह में पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परसों फिरदौस महल में आज के परसों बरोज सनीचर फिरदौस महल इमाम बारगाह में एक जश्न का एहतमाम है। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की पुरखलूस गुजारिश है। और जनाब अकील यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है अकील साहब के अकील अब्बास उनकी खिदमत में हदिया पेश किया जाता है। गुजारिश करता हूँ आली जनाब अब्बास बलियाई साहब की बारगाह में तशरीफ है। मिल गया जनाब शकील अहमद साहब से बारगाह गुजारिश शुरुआत पढ़े मोहम्मद वाले अली मोहम्मद साहब की तरफ से गुजारिश है तशरीफ लाएं। बरोज सनीचर फिरदौस महल इमाम बारगाह में 8 बजे शब में महफिल का इनेकाद है। आप तमाम हजरात से बुरखलूस गुजारिश अब मैं बहुत ही अदब-ए-एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा बुलंद नारा लगाएं नारा हैदरी। जनाब अकील अब्बास जो नाज़िम महफिल उनकी खिदमत में तोहफा पेश किया जाता है अली मोहम्मद साहब के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। दुआ करा देंगे मेंबरान से आप आ जाइए आप लोग मेंबरान से गुजारिश है कि वो आ जाए स्टेज पे आ जाए आप एक एक करके जल्दी से अकील में बुलाएंगे मौलाना सामने आ जाइए। सलमान हुसैन साहब सलमान से तोहफा कबूल करें। सलमान हुसैन साहब इमरान खान साहब जल्दी जो नहीं है वो भी बाहर से आ जाए अगर उनकी आवाज़ जा रही है। इमरान खान साहब सैयद वसी हैदर जैदी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ। सैयद वसी हैदर जैदी साहब सैयद अली नज़र साहब से गुजारिश सैयद अली नज़र साहब शादाब हुसैन साहब से गुजारिश तशरीफ लाए। मौलाना से शादाब हुसैन साहब एक तोहफा कबूल करें। मोहम्मद शहनवाज साहब नहीं ठीक है ठीक है हमारे मोहम्मद शहनवाज हुसैन साहब को मौलाना हुसैन काशिफ हुसैन खान साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ अपना मोमेंटो कबूल करें। सैयद ताहिर रजा साहब सैयद ताहिर रजा साहब दो मिनट रुको
मोहम्मद तौफीक अब्बास, ठीक है नहीं अली नजर को मोहम्मद तौफीक अब्बास, सैयद बकार अली सामने हैं तो वो भी आ जाए, आमिर हुसैन साहब से गुजारिश है तशरीफ लाए, अपना मोमेंटो कबूल करें, गुजारिश है कि मौलाना से अपने एक मोमेंटो कबूल करें, आप साथ में जो उनका सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एजीएम ऑफिशियल चैनल हमारे वो उस वक्त थे नहीं, अभी वो हमारे भाई आ गए हैं, तो एजीएम ऑफिशियल हमारे निशान साहब तशरीफ ला चुके हैं, काफ़ी माशाल्लाह जितने भी हमारे लाइव करने वाले हैं और जो भी हैं बहुत मेहनत करते हैं, इनकी सेहत और सलामती के लिए और आप अपनी सेहत और सलामती के लिए मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक बेहतरीन सलवार पढ़ें, खड़े हो जाए सब मिलकर दुआ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उधर रुख उधर किधर रुख, अल्लाहुम्मा कुल वलीकल हुज्जत इब्ने अल-असर सलावतुका अलैहि वअला आलिही फी हाज़िहि सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा।